गृहमंत्री अमित शाह ने खालिस्तानी समर्थकों से आम आदमी पार्टी के संबंधों के आरोपों की जांच की बात कही है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि सरकार ने मामले को बेहद गंभीरता से लिया है, किसी को अखंडता एकता से खिलवाड़ करने की इजाजत नहीं देंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि मैं खुद मामले को गहराई से दिखवाऊंगा। दरअसल कुमार विश्वास के आरोपों के बाद पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने केंद्र सरकार से पूरे मामले की जांच की मांग की है। कुमार विश्वास के आरोपों पर मचे सियासी संग्राम के बीच आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने सफाई दी। अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि अगर वो देश तोड़ने की बात कर रहे थे तो सरकारी एजेंसियों ने उन्हें गिरफ्तार क्यों नहीं किया। इसके साथ केजरीवाल ने कहा कि इस कवि का शुक्रिया जिसने आतंकवादी पकड़ लिया। आपने ऐसा स्वीट आतंकवादी नहीं देखा होगा जो सड़कें बनवाता है, अस्पताल बनवाता है और फ्री बिजली देता है। 10 साल से केजरीवाल एक प्लान बना रहा है कि देश के दो टुकड़े करूंगा और मैं उसमें से एक का प्रधानमंत्री बन जाऊंगा। तो मैं पूछना चाहता हूं इनकी, ये तो इसका मतलब मैं बहुत बड़ा आतंकवादी हो गया, तो ये इनकी सारी सिक्योरिटी एजेंसीज क्या कर रही थी? पिछले 10 साल में 3 साल तो कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस वालों ने क्या किया? सो रहे थे वो लोग। 7 साल से बीजेपी की सरकार है केंद्र में, मोदी सरकार है, मोदी जी ने क्या किया? मेरे को गिरफ्तार क्यों नहीं किया? इनकी एजेंसीज क्या कर रही थी अभी तक? तो ये ऐसी हास्यास्पद बात है जिसको मतलब सुन के ही हंसी आती है। और शायद मैं दुनिया का सबसे स्वीट आतंकवादी होऊंगा। पंजाब में चुनाव से 2 दिन पहले कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया। घोषणा पत्र में कांग्रेस ने पंजाब की जनता से कई बड़े वादे किए हैं। घोषणा पत्र में हर साल 1 लाख सरकारी नौकरियों का वादा किया गया है। चुनावी घोषणा पत्र में कांग्रेस ने कहा कि प्रदेश में फिर उनकी सरकार बनती है तो सीएम के पहले दस्तखत 1 लाख सरकारी नौकरियों के लिए ही होंगे। कांग्रेस के घोषणा पत्र में पंजाब की महिलाओं को प्रतिमा 1100 रुपए, हर साल 8 मुफ्त रसोई गैस सिलेंडर फ्री देने का वादा भी किया गया है। यूपी में 20 फरवरी को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार कल थम गया। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन सीएम योगी आदित्यनाथ ने करहल में रैली की और अखिलेश के खिलाफ बीजेपी प्रत्याशी की जीत का भरोसा जताया। समाजवादी पार्टी पर हमला बोलते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा कि समाजवादी गुंडों को विकास पसंद नहीं है। वहीं जालौन की रैली में अखिलेश यादव ने कहा कि यूपी के चुनाव में बीजेपी की बत्ती गुल हो गई है।